हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। वेल, आज मैं आपके साथ एक ऐसा नेचुरल नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके बालों को मात्र 45 मिनट में ही काला करना शुरू कर देगा। नेचुरली अगर आप इसका नियमित इस्तेमाल करते हैं तो आपके काले बाल 100% आने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल घरेलू नुस्खा है ये आपके सफेद बालों को काला बनाने के लिए और आपके कमजोर बालों को मजबूत बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस मैजिकल सी रेमेडी को किस प्रकार बनाना है और किस तरीके से इसे अप्लाई करना है बालों में। सबसे पहले आपको एक आयरन का बोल लेना है और इसमें ऐड करना है आपको सरसों, कच्ची सरसों। आपको बिना रोस्ट किए हुए उसे पीसना है पाउडर फॉर्म में, और इस कच्ची सरसों को आपको इसका 1 चम्मच पाउडर इस बोल में ऐड करना है। सरसों यानी कि मस्टर्ड, जिसमें कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको आयरन, मैग्नीशियम, जिंक की प्रॉपर्टीज भी मिलती है, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे 1 ग्लास आंवला जूस ऐड करना है और इन दोनों को आपको अच्छे से बॉयल करना है गैस में धीमी आंच पे, ताकि आंवला जो है वो मस्टर्ड सीड्स के साथ अच्छे से अपने एक्सट्रैक्ट छोड़ सके, अपने जितने भी तत्व हैं वो इसमें आ सके। इसका कलर धीरे धीरे चेंज होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि आयरन भी हमें इसके साथ साथ इसके आयरन के गुण भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कलर प्रॉपर चेंज हो जाएगा। और अच्छे से जब इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाए तब आपको इसे स्ट्रेन करके फिर से निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे स्ट्रेन कर लिया है। अब आपको इस पानी में ऐड करने हैं पाउडर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुड़हल के फूल का पाउडर यानी कि हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये आपके बालों में शाइन, चमक को, बालों में एक अच्छे लस्टर को प्रोवाइड करता है, हेल्दी बनाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 1 चम्मच भृंगराज पाउडर भी ऐड करना है। भृंगराज जिसे किंग ऑफ हर्ब्स कहते हैं और इसे केशराज भी कहा जाता है, क्योंकि बालों के लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं है। ये बालों की हर समस्या को दूर करता है। आपके बालों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उसको ये बहुत तेजी से क्योर करता है। इसलिए भृंगराज ऑयल, भृंगराज या भृंगा जिसे कहते हैं, इसे इस्तेमाल जरूर करना चाहिए अपने पैक में और ऑयल के रूप में भी। आपको इन दोनों को, इन जो लिक्विड है इसमें अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर तक आपको बस पकाना है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना है क्योंकि इसे हमें बिल्कुल सुखाना नहीं है, एक अच्छी कंसिस्टेंसी में इसे रहने देना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ना है। जब ये कम्प्लीटली अच्छे से ठंडा हो जाए इसके बाद ही आपको बालों में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को कर दिया है ऑफ और अब इसे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो गाइस, ठंडा होने के बाद आपको इस पैक को अपने पूरे बालों में अप्लाई करना है। इसके बाद आपको 45 मिनट तक अपने बालों में इस पैक को लगा के रखना है। ड्राई होने के बाद नॉर्मल पानी से हेयर वॉश करना है। इवनिंग में ऑयलिंग ज़रूर से करना है और नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू करना है। ये बेहद ही नेचुरल नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर किया है। सरसों का तेल बालों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है ये आप सबको अच्छे से पता है। सिर्फ बालों के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है सरसों का तेल। तो सरसों के तेल को आप किसी अनदर तरीके से भी इस्तेमाल करती हैं बालों के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है और बहुत फायदा पहुँचाता है। तो इस पैक को आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है जिस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है। एक भी चीज़ इसमें आपको स्किप नहीं करनी है और जो तरीका है वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल इसका कलर जो है वो हमें मिला है, क्योंकि हमें आयरन के भी गुण मिले क्योंकि इसको इस्तेमाल किया हमने आयरन के वेसल में। तो आयरन भी हमारे बालों के लिए ज़्यादा
फायदेमंद होता है क्योंकि आयरन आपके बालों को और ज्यादा डार्क इन कलर प्रोवाइड करती है। तो आपको इस पैक को बनाना है, अप्लाई करना है। वीक में आपको इस पैक को 2 बार इस्तेमाल करना है। इस नेचुरल नुस्खे को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी एज के आप हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चैनल में इसी तरीके की नेचुरल रेमेडीज को देखने के लिए रॉयल रुचि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं कि अनदर रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।